अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से मज़े में होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी आलू बैंगन की सब्ज़ी है, क्विक सिंपल रेसिपी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये पतीली में 4 से 5 टेबल स्पून के करीब जो है सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों के तेल में ही ये सब्ज़ी जो है वो मज़ेदार लगती है आलू बैंगन की। तो अच्छा, सरसों के तेल के लिए ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा सा हम इसको स्मोक लेवल तक लेके जाएंगे, लाइक जब इसमें से थोड़ा सा धुआं निकलने लगता है आँच दरमियानी करके इसको हम तब तक पकाएंगे तो इसकी जो कड़वाहट होती है, तेज़ी होती है सरसों के तेल की, वो फिर निकल जाती है। तो मैं इसको जो है थोड़ी देर दरमियानी आँच पे जो है वो पका रही हूँ। इसको मैंने 4-5 मिनट जो है वो दरमियानी आँच पे पका लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जनाब ये प्याज है मेरे पास, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ये प्याज है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है, ये मैंने इसमें डाल दी है। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके अंदर। प्याज के साथ अब इसको इसमें हम मैं डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून जो है वो क्यूमिन सीड ज़ीरा एंड 1/2 टीस्पून मेथी दाना। दोनों चीज़ें डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। जी ज़ीरा और मेथी दाना डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मेरे पास गार्लिक पेस्ट है, ये मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डाल दिया मैंने इसमें। और इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करके और अब इसके अंदर मेरे पास ये टमाटर हैं, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए। और टमाटरों के साथ अब जो बाकी चीज़ें इसमें जाएंगी वो है मेरे पास ये कुटी लाल मिर्च है, ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून एंड नमक तकरीबन अभी मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, बाद में हम चेक कर लेंगे। इसके अंदर ये मेरे पास 4-5 कड़ी पत्ते हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए। सब चीज़ों को डाल के मिक्स करके अब मैं टमाटरों को नरम होने तक इसको पकाती हूँ। लिड मैं इसकी कवर कर दूँगी और आँच जो है मैं इसकी हल्की रखूँगी तब तक टमाटर गल जाएँ जब तक के लिए। ओके जी, तो टमाटर हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इसके अंदर ये मेरे पास आलू हैं 3 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको मैंने जो है वो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और इसके साथ ही मेरे पास बैगन है, ये मेरे पास जो है वो छोटी बैगन थी तो मैंने जो है वो 5-6 बैगन छोटी ली हैं। आपके पास अगर बड़े साइज़ की हैं तो आप 2 बड़े साइज़ वाली, वो जो लंबी वाली बैगन होती है, अगर वो ले रहे हैं तो फिर 2-3 ले लीजिएगा। पानी की इसके अंदर ऐसा जैसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर ने जो अपना पानी छोड़ा है उसी में ये बैगन और आलू जो है वो गल जाएंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसकी लिड कवर करके इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाऊंगी। ओके जी, 10 से 12 मिनट के बाद आलू और बैंगन दोनों गल चुके हैं, ये देखिए। और इसका ये गाढ़ा गाढ़ा सा, ये देखिए ये मसाला सा जो बन गया ना, इस तरह से इसका जो है वो टेक्सचर आना चाहिए। थोड़े से बैगन जो है वो तोड़ दें, थोड़े से साबुत छोड़ दें तो फिर इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा इसका मसाला सा बन जाएगा। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून ये भुना कुटा ज़ीरा और इसके साथ 2 से 3 हरी मिर्चें, हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया। सब चीज़ों को डाल के करेंगे मिक्स और अब जनाब हमारी ये आलू बैंगन की सब्ज़ी डिश आउट होने के लिए तैयार है। जनाब हमारी मज़ेदार सी आलू बैंगन की सब्ज़ी जिसको मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से हरा धनिया के साथ, इसको आपने बनाना है और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको हम सर्व करेंगे चपाती के साथ, आप चाहें तो अपने फेवरेट पराठे, दाल चावल, किसी भी चीज़ के साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कंफर्ट फूड है, इसको बना के एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।